छत्तीसगढ़ में रद्द हो रही ट्रेनों को लेकर राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में रद्द हो रहे ट्रेन और लेट लतीफी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की ट्रेनों के लिए रेलवे मिनिस्टर से मिलूंगी, ये उनका कहना है। बीजेपी के लापता सांसद वाले पोस्टर पर पलटवार भी किया है। 8 साल से रोजगार लापता है और इस पर क्या कहेगी बीजेपी। शराबबंदी के सपोर्ट में हम है, बस शर्त है कि बेईमानी ना हो। उधर गोवा में शराब से कमाई पर स्मृति ईरानी क्या कहेंगी, ये भी उन्होंने पूछा है। 100% मैं कहूंगी कि अगर आप डाटा उठाइएगा तो बिहार में जब नीतीश बाबू एनडीए के साथ थे तो कुछ अलग था। अभी कई सारी ट्रेनें इवन रद्द ही नहीं की गई, एक तो टाइमिंग 10-10 घंटे का डिले हुआ है, ऊपर से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वही काम आज छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, बिल्कुल सौतेला व्यवहार करते हैं। सिर्फ रेलवे का ही नहीं, मनरेगा का बजट हो, शिक्षा का बजट हो, बहुत सारा जो सेंट्रल का बजट है वो घोषणा कर देते हैं, लेकिन हम लोगों का जो बजट है उसको रोक के रखा गया है ताकि जो ब्लेम है वो स्टेट को आए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी से उजागर करें। मैं छत्तीसगढ़ में पहुंची हूं तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाजपा वाले क्या कह रहे हैं। भाजपा वालों को मैं कहूंगी कि भाई अगर इतनी चिंता आपको, जो 8 साल से रोज़गार लापता है, बेरोज़गार युवा लापता है, आप उनको नौकरी देने के लिए अगर कोई शब्द करे तो आपके मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के शब्द लापता हो जाते हैं, उसकी बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। शराबबंदी अगर एक महिला कह रही है, हम उसके सपोर्ट में हैं, हम लोगों ने बिहार में भी किया, बशर्ते कि सही मायने में हो, बेईमानी नहीं हो। एक तरफ शराबबंदी होती है और दूसरी तरफ 200 रुपए की बॉटल 400 रुपए में बिकती है और 12 साल का बच्चा भी स्कूल बैग में जाके होम डिलीवरी कर रहा होता। और जहां तक स्मृति ईरानी जी का सवाल है, पहले बोलिए कि क्या गोवा में सिलिसोल में शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है, वहाँ आप पैसा कमाएंगी? और दूसरा, जो पैसा कमा रहा है उसको कहेंगे कि पैसा बंद कर दो? पहले आप तय कीजिए, हर व्यक्ति के लिए, हर स्टेट के लिए शराबबंदी ज़रूरी है, क्या वो कमाई का साधन होना चाहिए कि नहीं।